अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। देखिए, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है कि किस राजनीतिक पार्टी को मतदाता वोट देने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साइलेंट जो वातावरण बना हुआ है, क्योंकि जितना चुनाव में वोकल मतदाता होता है उससे स्पष्ट हो जाता है, इस बार मतदाता ने अपने मन में ये तो ठाना हुआ है कि किसे वोट देना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुल करके सामने नहीं आ रहा। इसलिए जो सर्वे के अनुमान हैं और जो अन्य समीक्षकों के अनुमान हैं वो अभी भ्रमित जैसी स्थिति में है। जहाँ तक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अन्य बातों का संदर्भ संबंध है तो दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि 18 साल से भाजपा की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और बाकी दो मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में सरकार रही है। उनने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कितना किया है, कितना करना शेष है, कितना विजन है उनमें, कितना विजन आगे और चलता हुआ दे रहा है या विजन खत्म हो गया है, इन सब बातों का एक विश्लेषण का आधार बनता है। तो जब लास्ट समय में अपन ये मान करके चले कि 18 साल की सरकार होने के बावजूद भी लाडली बहना योजना जैसा एक क्रांतिकारी योजना जब मुख्यमंत्री के द्वारा पेश की गई, तो ये समझ में आया कि जो विजन है, जो सोच है, जो आगे मंथन विचार करने का जो दायरा है, वो दायरा मरा नहीं है, वो जीवित है, युवा है, यूँ कह सकते हैं कि नए नए आइडियाज आ रहे हैं। तो एक बात ये साफ है। दूसरा, सरकार में 18 साल की सरकार में यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नज़र मारते हैं तो हमें सड़कें भी दिखाई दे रही हैं, बिजली के फीडर चेंज भी दिखाई दे रहे हैं और हमें अन्य अधोसंरचना के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। यदि किसान के संबंध में हम विचार करते हैं तो राजस्व पुस्तिका में जो संशोधन प्रारंभ हुआ था उससे लगा करके 0% कर्ज माफी तक की स्थिति तक, ब्याज जो 0% वाला जो था वो बिंदु तक आते आते हमें किसानों के प्रति काफ़ी चेंज दिखाई देता है और मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिलने जैसी स्थिति बनती है तब हमारा किसान जो है अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद यदि हम महिला उत्थान के संबंध में बात करते हैं तो लाडली बहना, कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं ने मध्य प्रदेश की सूरत को बदला है और पूरे देश में इन योजनाओं को स्वीकार किया गया है। यदि हम तीर्थ दर्शन की बात करते हैं तो धार्मिक अटैचमेंट के साथ सभी संप्रदाय के लोगों को यात्राओं के माध्यम से जब धर्म स्थलों पर ले जाया जाता है तो उसका अपना एक प्रभाव दिखाई देता है और जनमानस में ये विचार आता है कि यदि सरकार ऐसी योजनाएं लेके आती है तो एक आदमी के परिवार पर जो बोझ पड़ने वाला है या धर्म तीर्थाटन के लिए जो उपयोग होता है उसका कहीं कहीं लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बीच का राज्य है, तो ट्रांसपोर्टेशन उत्पादन को और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मध्य के क्षेत्र हमेशा बचे रहते हैं। फिर भी मध्य प्रदेश में टैक्सेशन के मामले में जिस तरह की वृद्धि हो रही है वो ये बताता है कि हमारे यहाँ का व्यापार भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये एक भाजपा का पक्ष मुझे दिखाई दिया है। दूसरा, कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल रहा, 18 साल के बाद यदि सरकार बदली है तो उसका भी कमलनाथ जी ने जो मिलावट के खिलाफ एक प्रकार का अभियान चलाया, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के संबंध में प्रयास प्रारंभ किए और इसके अलावा भी कई उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, ऐसा करके उनका भी एक रोड मैप मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। चूँकि उस समय किसान आंदोलन पर गोली चालन का मामला था, कुछ किसानों की मृत्यु हुई थी, किसान कर्ज माफी का मामला उसके साथ रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने से मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत जो है अपेक्षाकृत चेंज हो गया और कांग्रेस की तरफ भी विधायकों की संख्या बढ़ गई। तो एक दोनों चीज़ें मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। जहाँ तक दलित और आदिवासी अंचलों का मामला है तो ये माना जा सकता है कि एक राजनीतिक पार्टी की योजना है बराबर कि किसी प्रकार से उनके जो महान विभूतियां हैं उनका सम्मान किया जाए, सम्मान के बाद उनके योगदान को देश को स्मरण कराया जाए,
कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के नाम रखे जाए, इस तरह से उन्हें रेखांकित करने का प्रयास हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी एक आदिवासी समुदाय को, दलित समुदाय को अपने पक्ष में लेने की बातचीत की जाती रही। इन सारे परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का मतदाता इन सारे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के, दोनों ही बड़े नेताओं के, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के कामों की समीक्षा करने के बाद मतदान करेगा। और मुझे ये लगता है कि इस मतदान के अंदर यदि दो पक्ष ही हो सकते हैं, पहला पक्ष ये हो सकता है कि मतदान के लिए जनता ये विचार कर सकती है कि चलती हुई गाड़ी में पहिया क्यों बदला जाए, और ये भी विचार हो सकता है कि यदि डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली भाजपा कर रही है तो फिर उसमें अड़ंगे क्यों डाले जाएं और नए कंसेप्ट क्यों लाए जाएं। दूसरा ये हो सकता है कि कमलनाथ जी के अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से यदि मतदाता विचार करता है तो भी एक पक्ष है। इसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव जैसी संभावनाएँ दिखाई नहीं दे रही हैं। सर्वे का जो आज का स्वरूप है वो बदला हुआ आया है। इससे पहले के सर्वे कुछ अलग कहानियां कहते थे, लेकिन अभी लोग पत्रकारों के बीच में भी ये चर्चा प्रारंभ हो गई है और जो समीक्षक है उनके बीच में भी ये चर्चा प्रारंभ हो गई है। दो मुद्दे उठाए थे कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया की बगावत का कांग्रेस को फायदा होने वाला है, लेकिन जब मैंने व्यक्तिगत रूप से, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कि जब मैंने कल आकलन के लिए सभी जिलों में बातचीत की और हमारे कम से कम 5-7 पत्रकारों से बात की और उनके माध्यम से जो निष्कर्ष निकला है, तब मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जो ग्वालियर और चंबल अंचल है उसमें जो बताया जा रहा था वैसे परिणाम नहीं आने वाले। सिंधिया को, मुझे नहीं लगता कि सिंधिया के खिलाफ कोई वातावरण वहाँ बना हुआ है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो चुनावी परिदृश्य है उसके आकलन के बारे में मैं कमोवेश इसी प्रकार की धारणा की तरफ पहुंचता हूं, और मुझे लगता है कि इसी में ही वो बातें सारी समाहित है जो मैंने की हैं और यही आने वाले 3 दिसंबर को परिणाम में आएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। धन्यवाद। जय माँ चंडी मैया। माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी, माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।